हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप देख सकते हो आज मैं पहुंच चुकी हूँ अरावली रिसोर्ट। ये अरावली ग्रीन रिसोर्ट है जो गुड़गांव के पास में है। ये हमने वीकेंड प्लान किया था। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे हर जगह देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी है। यहाँ पे अपने पार्किंग की कोई चिंता नहीं है। अगर आप अपने खुद की गाड़ी से आते हो तो यहाँ पे देखिए पार्किंग के लिए बहुत सारी स्पेस है। आप कहीं पर भी पार्क कर सकते हो। और ये जो अरावली ग्रीन रिसोर्ट है वो एकदम, अगर आपको दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, शोर शराबा है, आपको कुछ शांति सी जगह चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है जहाँ पे आपको शांति मिले और जहाँ आपको थोड़ा सा सुकून मिले, तो आप यहाँ आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है। आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। और इस तरफ जो पीछे साइड आपको दिख रहा है वो है रिसेप्शन, और यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं। आप बहुत ही सस्ते में आप इसे वन डे स्टे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। चलिए, मैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरीके से आपको रूम मिलते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इसमें, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही रीज़नेबल रेट में आप वन डे का स्टे कर सकते हो। 2500 रुपीज़ लगता है, जिसमें खाना, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट सारा फ्री है। बहुत ही अच्छा है। मैं आपको पूरी डिटेल्स इसमें शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए देख लेते हैं ये रिसोर्ट किस तरीके से है और क्या क्या एक्टिविटी है और आज हम क्या क्या करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक्टिविटी एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें इस तरीके की एक्टिविटी एडवेंचर करने के लिए हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा है, ये सारा एक दूसरे से कंबाइंड है। इस तरीके से टायर वाले हैं, इस तरीके से आप चल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, एक दूसरे से कंबाइंड है। देखने में बहुत आसान लग रही है लेकिन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। हमने तो बहुत सारी इसमें एक्टिविटी करी नहीं। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो इस जगह पे आ सकते हो। ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है एडवेंचर के लिए। इसमें आउटडोर इंडोर गेम्स भी अवेलेबल हैं। इसके लिए, अगर इस रिसोर्ट में आने के लिए अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो ही आप आ सकते हो, क्योंकि ये कैब और बसेस से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी होती है, इस तरीके से टायर के ऊपर चढ़ना होता है। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो। इसमें कैरम है, टेबल टेनिस है, पूल टेबल है, ये देखिए यहाँ पे है टेबल टेनिस, और वहाँ पे आपको साथ में ही मिल जाता है पूल टेबल। ये सारी एक्टिविटी है, कैरम है, बैडमिंटन है, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उस एरिया से निकलते ही यहाँ पे रिसेप्शन की तरफ जाने का एरिया आता है, और चारों तरफ इतना हरा भरा है ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत दिल खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा शांति थी, सुकून था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हम पहुंच गए थे सुबह 11 बजे के आसपास, जहाँ पे सब लोग जो लास्ट डे आए थे वो निकल चुके थे। अब जो इस आज के दिन आने वाले हैं वो अभी आएंगे। ये है रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे वेटिंग एरिया है। आप वेट करोगे, आप जब आते हो तो आपको सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दी जाती है जो हमने ले चुकी है। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इस तरफ है रूम्स अवेलेबल हैं, इधर दोनों साइड में रूम मिल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं रूम किस तरीके से हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ। चलिए आज मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये मेरा रूम है। चलिए वेलकम ड्रिंक, ये है जो रूम जो हमने लिया है। इस तरफ एंट्रेंस में टीवी बहुत बड़ी दी है, बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरफ आपका सामान रखने की प्लेसेस हैं, और यहाँ बच्चे शैतानी करते हैं। और यहाँ पे आपको डिजाइन दिया है, कोई भी कबर्ड दिया हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हो। इस तरफ है बेड, इधर आपको एक टेबल मिल जाती है जहाँ पे अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। और मैं इस तरफ दिखाती हूँ, इस तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे पानी गर्म करने का, आपको टीवी वगैरह मिल जाती है। और यहाँ आपको रेडी होने के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग मिलती है, ड्रेसिंग टेबल बोल सकते हो। बहुत अच्छे से आप यहाँ चेयर दी गई है, तैयार हो सकते हो। इस तरफ आ जाता है वॉशरूम, ये इस तरीके का वॉशरूम है। यहाँ पे कवर दिया गया है यहाँ पे ये, और वहाँ पे आप बात कर सकते हो। तो ये है यहाँ पे रूम,
और इस तरीके से यहाँ एक विंडो दी गई है जहाँ से अच्छा व्यू दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी अच्छा दिखता है। वहाँ देखिए स्विमिंग पूल दिख रहा है, बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा, अगर आपको यहाँ आना है बहुत ही आपको ग्रीनरी दिखेगी। अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छा और सुंदर लगता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे, जा रहे थे हम स्विमिंग करने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे स्विमिंग के लिए, तो हम स्विमिंग पूल गए थे आफ्टरनून के टाइम पे। थोड़ी सी धूप थी बट बच्चे ज़िद कर रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं था तो हमें जाना पड़ा। तो लेकिन काफ़ी अच्छा था, कोई नहीं था उस टाइम पे, थोड़ी शांति थी, सुकून था, हम लोग अकेले थे जहाँ पे हम फुल इंजॉय करें। यहाँ पे इस तरीके से नाइट में यहाँ पे स्नैक्स दिए जाते हैं, वहाँ पे डीजे वगैरह चलता है। यहाँ पे पूल है, उसी के साइड में आपको चेंजिंग रूम मिल जाता है। काफ़ी अच्छी प्लेस है दोस्तों, वहाँ देखिए बहुत ही अच्छा पानी है। इस टाइम पे सुबह सुबह उसे क्लीन किया जाता है और इस तरफ पूरा ग्राउंड मिलता है, जो नाइट टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे भैया हैं जो पूल को क्लीन कर रहे हैं और पानी भी चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद ये बच्चे देखिए यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। यहाँ पे विवान जो था वो थोड़ा सा डर रहा था, उसे लग रहा था कि कहीं मैं पानी में डूब ना जाऊँ, क्योंकि वो पानी से थोड़ा सा डरता है। तो काफ़ी थोड़ा होने के बाद वो भी अंदर चला गया था। हाय, ये देखो बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मुझे, मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रही है मैं अंदर जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये विवान कितना डर रहे हैं, यहाँ देखो इंजॉय कर रहे हैं सब, अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, अगर मौसम ज़्यादा अच्छा होता तो ज़्यादा और भी मज़ा आता। यहाँ पे मेरे हिसाब से नाइट टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बाद मैंने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली और मैं भी आ गई बच्चों के साथ मस्ती करने। यहाँ पे हमने खूब सारी मस्ती करी पानी से, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पीछे रेन डांस भी था लेकिन अभी कोई था नहीं तो इसलिए हम वहाँ गए नहीं, और हम अकेले थे। इस टाइम पे ऐसा लग भी रहा था कि हम अकेले हैं, पूरा स्विमिंग पूल हमारा है और हम फुल मस्ती कर रहे थे अपने तरीके से। कोई हमें वो नहीं था कि कोई देख रहा है या क्या कर रहा है, हम अपने मज़े से मस्ती कर रहे थे क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था, सब अपने रूम में थे बट हम यहाँ पे आ गए थे मस्ती करने। तो यहाँ पे ढेर सारी हमने मस्ती करी। विवान अपने पापा के ऊपर चढ़ा हुआ है और अच्छे से मस्ती कर रहा है, तैर रहा है और पूरा मज़ा ले रहा है पानी का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंजॉय किया, आप भी आ सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद लंच टाइम हो गया था, हम चले गए थे लंच करने। लंच में देखते हैं आज क्या क्या था इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रहेगा रायता, रायता था। इसके बाद यहाँ पे है मटर पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी है। इसके बाद यहाँ पे है मिक्स वेज, और यहाँ पे है दाल, और इधर है चावल, और इसके बाद यहाँ है रोटी, यहाँ पे रोटी है, सब यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे मीठे में है यहाँ पे गुलाब जामुन, ये है रसगुल्ले, और उसके बाद यहाँ पे जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है चिकन, जो नॉनवेज खाते हैं वो यहाँ पे उनके लिए अलग रखा गया है। और ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे ये पूरा एसी फैन सारा चीज़ अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमने लंच ले लिया और हम अपना खाना खाना शुरू कर रहे हैं, बच्चों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और काफ़ी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में। मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि खाना कैसा है, तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं थी इसलिए मैं ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग रेस्ट करें, उसके बाद हो गए शाम, शाम के टाइम इवनिंग टाइम हो गया है। और इवनिंग टाइम में हम लोग सब बाहर निकले हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं, ग्राउंड है जहाँ पे ये एडवेंचर करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, उसे हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कौन जाता है। आप देख सकते हो इस तरफ है, पीछे साइड में बच्चे पीछे जा चुके हैं। यहाँ पे अभी सब थोड़ा रश कम है क्योंकि सब टी
टी चाय कॉफ़ी वो इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में है और वहाँ पीछे साइड में डांस वगैरह हो रहा है, म्यूज़िक चल रही है, तो वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पे खेलने का मन था तो इसीलिए हम बच्चों को ले आए हैं यहाँ पे। तो और हम देख रहे हैं क्या क्या करते हैं, देखते हैं। ये पीछे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। अगर आप कोई भी वीकेंड प्लान करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो। बहुत ही आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सुकून मिलेगा। और आपके बच्चे छोटे हैं, आप ना यहाँ पे बेझिझक खिलवा सकते हो, कहीं भी खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से गेम खेलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड खेल रहे हैं पूल टेबल, पर मुझे तो आता नहीं है। हस्बैंड खेल रहे हैं, मैंने छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स ऐड करी हैं दोस्तों, मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद हमने खेला टेबल टेनिस, उसके बाद शाम हो गई थी ना, तो हम लोग नाइट टाइम पर यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर गाना बज रहा था और बच्चे कर रहे थे डांस। जो गाना बज रहा था उसको मुझे हाइड करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मैंने गाने को हाइड कर दिया। यहाँ पे शाम के टाइम पे लोग रेन डांस कर रहे हैं, स्विमिंग पूल पे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग जो ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। कोल्ड ड्रिंक भी थी, बच्चे हम सब कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे, और ऊपर से यहाँ पे पकौड़े, स्नैक्स, वेज नॉन वेज, पनीर पकौड़े सारा कुछ था, और बहुत ही अच्छा था। इतने 2500 में आपको सारा कुछ मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। बट थोड़ा ये सिटी से अंदर है, थोड़ा खुद का कन्वीनियंट हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम देखिए बाहर वॉक कर रहे थे। 8 o'clock हो रहा है और हम वॉक कर रहे थे, पीछे देखिए कितना ग्रीन ग्रीन है, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम पे। हल्की सी धूप है, थोड़ा सा ठंडा भी मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय पियेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह हम इस तरीके से यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रेडी होके हम निकल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे हमने ले लिया है ब्रेकफास्ट, यहाँ पे पूड़ी छोले, पूड़ी आलू की सब्जी, पोहा और ब्रेड आमलेट था, टी थी जो मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने रूम में आ गए थे और हमने नहाना धोना हो गया है, अब हम कर रहे हैं चेकआउट, हम रेडी हो गए हैं। अब बस 11 बजे हमारा चेकआउट है, हम निकल रहे हैं। और ये था आज हमने जो वीकेंड मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। ओवरऑल ये रिसॉर्ट काफ़ी अच्छा है, बस एक ड्रॉबैक है जो कि छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पूल है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए अगर कोई चीज़ें होती है, एक्टिविटी होती तो और ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा हमें ये वन डे का वीकेंड जो हमने प्लान किया था, काफ़ी अच्छे से गया। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।